शादी के लिए नहीं रुकेंगे आप? बहुत मजा आएगा, ऐसी शादी शायद आपने कभी देखी नहीं होगी। नौटंकी देखने का शौक नहीं है मुझे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस संडे, फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल फिल्मी फीवर में। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे एक और डुप्लीकेट सुपरस्टार के बारे में, जो है हमारी पूजा भट्ट की सेम टू सेम कार्बन कॉपी। तो गाइज मैं बता देता हूँ, इनके वीडियोस टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा लाइक किए जा रहे हैं, और इनका जो फेस कट है, इनका जो चेहरा है, वो कहीं ना कहीं पूजा भट्ट से जरूर मिलता जुलता है, और लगती भी ऐसी है जैसे ये आलिया भट्ट की बहन हो। हाँ गाइज, इनके वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं टिकटॉक पे। कुछ और वीडियोस मैं लेके आया हूँ आपके लिए, चुन चुन के, जो आपके लिए स्पेशल वीडियोस मैं बनाता हूँ ना, तो उसमें कुछ अलग से मसाला सा डाल के लेके आता हूँ, वो वीडियोस मैं आपके लिए यहाँ पेश करने वाला हूँ। तो कहीं मत जाइए, स्किप मत कीजिए वीडियो बिल्कुल भी, और देखें आगे के कुछ नए वीडियोस। गाइस, टिकटॉक की दुनिया में इन्हें जिया खान के नाम से जाना जाता है। बहुत शानदार और बहुत सारे वीडियोस हैं इनके, वो सारे वीडियोस मैं यहाँ पर नहीं ला सकता, तो आप इनकी आईडी पे जाइए, इनको फॉलो कीजिए, और इनके बहुत सारे वीडियोस हैं वो देखिए, बहुत इंटरटेनिंग वीडियोस हैं। जो इनकी आईडी है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी हुई है, वहां से आप जाके उनको आराम से फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस, आप चाहते हैं ऐसे वीडियोस और देखना टिकटॉक के डुप्लीकेट सुपरस्टार के बारे में जानना, तो आप जाइए मेरी इस लिस्ट के अंदर, बहुत सारे वीडियोस हैं, जो पसंद आए चुनिए, उनको देखिए, बहुत मजा आने वाला है। और एक छोटी सी बात और, किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहता दोस्तों, लेकिन बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो इन टिकटॉक के सुपरस्टार्स के बारे में मजाक उड़ाते रहते हैं, उनका एक जोक्स बनाते रहते हैं, लेकिन गाइस ये जो इनकी जो फेस है वो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की कृपा से इनको मिला है बॉलीवुड स्टार जैसा, तो उनका ये शो ऑफ कर रहे हैं, उनका ये टैलेंट दिखा रहे हैं अपना, तो इसमें मैं कुछ गलत नहीं समझता। हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इनका मजाक बनाना चाहिए। अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ यही वीडियो एंड करता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए बाय।